आज हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिस पे हम एक बहुत ही सुंदर मोती वाला डिज़ाइन लाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बुकरम लेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम लिया और इसे डबल फोल्ड कर दिया। अब हम इस पे अपना नेक ड्रॉ करेंगे। हमारी नेक की जो विड्थ है वो 4 इंचेस होगी और डेप्थ हमारे नेक की 4 इंचेस होगी। अब हम यहाँ पर एक बॉट नेक की शेप देंगे। बॉट नेक की शेप देने के बाद हमारी यहाँ पे 1 इंच ब्रेड की एक पट्टी आएगी। अब हमने यहाँ पे 1 इंचेस पर भी एक बॉट नेक की शेप दे दिया। अब हम इन दोनों मार्क्स पर कट करेंगे। हमने अपने नेक को कट कर लिया। उसके बाद हमारे ये वाला पीस यूजलेस है। इस पीस से हमारी बीच की पट्टी बनेगी जो हमारे मोती के बीच में आएगी और इसके बीच वाले पार्ट में हमारे मोती डलेंगे। इसके बीच में हमने स्पेस नहीं रखा है क्योंकि जब हम इसे कपड़े पे पेस्ट करके यहाँ पे सिलाई करके नेक बनाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 1/4 इंचेस का स्पेस आ जाएगा तो उसमें हमारा नेक बन जाएगा। इसलिए हम इन पीसेस को बीच से कट नहीं करेंगे। हम जस्ट इस पीस को साइड से थोड़ा थोड़ा कट करके इसे सेट कर देंगे। अब हमारे दोनों पीस बन गया। हम सबसे पहले ये बड़े वाला पीस लेंगे और बड़े वाले पीस को एक कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और अपना नेक ड्रॉ करेंगे। अब हमने अपने कपड़े पे अपने गले के दोनों पीसेस को इस तरीके से रख दिया। अब हम इस पे प्रेस रखेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। इसके बीच हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना और बहुत ध्यान से आयरनिंग करनी है। पेस्ट करने के बाद हम इसके साइड से 1/2 इंचेस मार्जिन छोड़ के इसे कट कर लेंगे। जो यहाँ पे साइड में 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ा था हम उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और चारों तरफ लेट कर देंगे। अब हम अपने कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे और उसके सेंटर में हमने ऐसे ये कट लगा लिया और सिमिलर हमने नेक के भी फ्रंट में ऐसे कट लगा लिया। अब हम कट से कट अच्छे से मैच करेंगे और कट से कट मैच करने के बाद हमारी यहाँ पे 3 स्टिचेस आएंगी। एक इस ये जो हमारा कट है एक इस कट से इधर साइड, एक इस कट से इधर साइड और एक इधर। हम अब स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। हम स्टिच सबसे लास्ट पॉइंट से लगाएंगे। जो हमें स्टिच है वो इस कट से 1/4 इंचेस पर लगानी होगी। बिकॉज इस कट के पॉइंट पे हमारा मोती आएगा। हमने इधर साइड एक स्टिच लगा दिया। अब हम सिमिलर यहाँ इस कट से भी 1/4 इंचेस छोड़कर एक और स्टिच लगाएंगे। हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच इतना गैप मेंटेन करना होगा जितना हमारा मोती है बिकॉज इसी स्पेस के बीच हमारा मोती आएगा। ये वाली स्टिच भी लग गया। अब हमें लास्ट 3rd स्टिच लगानी है। वो हमें यहाँ सेंटर से 1/4 इंचेस पर लगानी होगी। यहाँ पे 3 स्टिच लगा दिया। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर में कट था हम इस कट पे से अपनी सीजर को चलाएंगे और यहाँ से काट देंगे और हमें बहुत ध्यान से काटना होगा कि हमारी स्टिच ना कटे। काटने के बाद हम यहाँ से भी सिमिलर काट देंगे। यहाँ साइड से काटने के बाद हम इसे डोरी की तरह टर्न करेंगे। डोरी की तरह टर्न करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से एक धागा पक्का करना होगा। धागा पक्का करने के बाद हम इस होल में से अपनी स्पिन निकाल लेंगे।
अब हमने टर्न करते हुए अपनी सुई को दूसरे एंड से निकाल लिया। अब हम पहले एंड पे आएंगे और इसे इस तरीके से पुश करना शुरू करेंगे। इससे हमारी ये जो पट्टी है ये बहुत इजीली डोरी की तरह टर्न हो जाएगी और हमारा ये पार्ट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम जस्ट इस पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे, इसकी सिलाई बाहर निकाल लेंगे अच्छे से और इसके यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पर स्टिचेस लगा देंगे। हमने इस पट्टी के दोनों साइड अच्छे से सेट करके स्टिच लगा दिया। अब हम सिमिलर अपने गले के साथ करेंगे। हमारा जो गला था इसमें हमारी ये जो पट्टी थी हम इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके चारों कॉर्नर पर स्टिच लगा के अच्छे से इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब हमने यहाँ पे अपने दोनों पीसेस पर अच्छे से साइड साइड में स्टिच लगा दिया है। इसके बाद हमने इसमें मोती लगाना है। मोती लगाने के लिए हम सबसे पहले एक पेपर लेंगे। हमने ये पेपर लिया और उस पर हमने अपने दोनों पीसेस रख लिया। अब हमें इसे अच्छे से सबसे पहले हम इसका बड़े वाला पीस अच्छे से सेट करेंगे पिंस के साथ। बहुत ही अच्छे से नेक को सेट करके पिंस लगानी होंगी। कहीं भी गैप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना हमारी नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। बड़े वाले पार्ट को अच्छे से पिनअप कर लिया। अब हम छोटे वाले पार्ट को पिनअप करेंगे। उसके लिए हम सेंटर से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सेंटर पे हम सबसे पहले इसमें यहाँ पे जितना हमारा मोती है उतना गैप मेंटेन करेंगे और इसे इस तरीके से सेट करके अच्छे से पिन लगाएंगे और उसके बाद हम बाकी साइड्स भी ऐसे ही इक्वल गैप मेंटेन करते हुए पिंस लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके पिनअप कर लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पर मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। मोती लगाने के लिए हमने एक सुई में धागा लिया और उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच डिस्टेंस छोड़कर यहाँ पर सुई निकालेंगे और अच्छे से इसे पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद हम एक बीड लेंगे। बीड को हम ऐसे सुई में डालेंगे और इसे अच्छे से सेट करके हम एग्जैक्ट इसके सामने वाले प्लेस में से भी पिन लेंगे। और यहाँ भी पक्का कर देंगे और ऐसे सिमिलर हम हाफ हाफ इंचेस के गैप पर सारे बीड्स लगा देंगे। देखिए अब हमने अपने गले पे मोती लगा लिया और हमारा गला बनके तैयार हो गया। कितना सुंदर तैयार हुआ। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।